मऊ में धर्मांतरण की सूचना पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में हरकत में आई पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुरा मोहल्ले का है, जहां एक घर में पादरी काफी लोगों के साथ पूजा कर रहे थे, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने पादरी के साथ भी मारपीट की। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये आज सूचना मिली अभी एक घंटे पहले करीब, रोडवेज के पास एक मिस्टर विजेंद्र कुमार हैं, विजेंद्र प्रसाद, उनके घर में कुछ ईसाई मिशनरी के लोग, 7-8 लोग और 4-5 महिलाएं पब्लिक के लोगों को बुला के वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दूसरे धर्म को स्वीकार कर लें या दूसरे धर्म के जो उनके देवी देवता हैं उनका पालन करें, पूजा करें। इस तरह की सूचना उन्होंने दिया, वो उसकी लिखित सूचना दे रहे हैं। बाकी लोगों को, उन लोगों को ही मदद से थाने में लाया गया है, उनका केस रजिस्टर किया जाएगा, जांच किया जाएगा। सही पाया जाता कि दूसरे धर्म में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे या करा रहे थे, उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, बड़ी संख्या में महिलाएं भी कोतवाली लाई गई हैं, उनका क्या होगा? उनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ उसमें 3-4 के बारे में पता चला कि वो मोटिवेटर है, मोटिवेट कर रही थी। बाकी सुनने वाली आई होंगी, इनोसेंट होंगी। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में या पूर्वांचल में आप समझ सकते हैं, कोई बात होती है तो सुनने भी चले जाते हैं, तो सभी उसमें दोषी नहीं होंगे, कुछ सुनने समझने वाले भी होंगे। तो जो मोटिवेट कर रहे होंगे, जो गलती कर रहे होंगे, नियम के विरुद्ध काम कर रहे होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन महिलाओं के खिलाफ। वहीं लोगों के आरोपों से उलट पादरी ने बताया कि वो धर्मांतरण नहीं करा रहे थे बल्कि पूजा कर रहे थे, लेकिन लोगों ने हंगामा कर दिया और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोतवाली ले आई। हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, संडे को हम दुआ प्रार्थना करते हैं, कर रहे थे। कुछ लोग आए अपना, जो भी उनको लगा हो कि धर्म परिवर्तन वाली बात उनको समझ में आई हो, वो लोग धर्म परिवर्तन के चक्कर में जो है प्रशासन को बुलाया, प्रशासन यहाँ पे लेके आई। आपके घर में कब से होती थी प्रार्थना? ये 5-6 साल से हो रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।